हेलो एवरीवन, इस वीडियो को हमारा टॉपिक है यूनिट 5 का टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन जो है कितने तरह की है उस बात को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो वेजिटेशन का मतलब होता है वो तो हम प्लांट्स से रिलेट करते हैं। जो भी प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे जो भी हैं, वो वेजिटेशन के अंदर आती है। नेचुरल वेजिटेशन मतलब ये चीज़ है ना कि जो भी प्लांट है, जो भी ट्री है, वो खुद से ग्रो हुई है, नेचुरली खुद से ग्रो हुई है। कहने की मतलब कोई ह्यूमंस की वजह से नहीं हुआ है, ह्यूमन इंटरफेरेंस उसमें कुछ नहीं है। नेचुरली जो प्लांट स्पीशीज ग्रो होती हैं उन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। जैसे हम एग्रीकल्चर करते हैं, कोई फूल लगाते हैं, पार्क्स बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें वेजिटेशन तो हैं लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, क्योंकि ये सब नेचुरली नहीं हुई है। खेती जो होती है, क्रॉप्स खेती करते हैं, फल फ्रूट जो भी उसकी, तो वो वेजिटेशन है क्योंकि वो प्लांट से रिलेटेड है, लेकिन वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है क्योंकि उसने उसको ह्यूमंस ने क्या किया है, कल्टीवेट किया है, वो नेचुरली नहीं हुई है ग्रो। तो जो प्लांट्स, जो ट्रीज नेचुरली ग्रो होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। तो यही हमारा टॉपिक है कि इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या है, इस बात को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या है कि नेचुरल वेजिटेशन डिनोट्स द प्लांट कम्युनिटीज विच ग्रोज नेचुरली विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग। ऐसे प्लांट कम्युनिटीज जो नेचुरली ग्रो होते हैं बिना किसके, ह्यूमंस की मदद से, एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड अवे फ्रॉम ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ह्यूमंस ने उनको ऐसे डिस्टर्ब, अरे अनडिस्टर्ब छोड़ दिया है। मतलब जो भी वेजिटेशन है, एक तो नेचुरली वो ग्रो हुई है और उसका ह्यूमन इंटरफेरेंस उसमें कुछ नहीं है, वहाँ पर ह्यूमंस का कुछ काम नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स और फ्रूट्स होते हैं वो भी क्या है, वेजिटेशन है, बट वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सबको ह्यूमंस ने ग्रो किया है। और ये जो नेचुरल वेजिटेशन होता है उसको वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी। देखिए, इंडिया में ये 6 मेन जो नेचुरल वेजिटेशन है वो है, जैसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, ये तीसरा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और शब्द, या फिर जिसको हम ट्रॉपिकल डाई डेसिडस फॉरेस्ट कहते हैं, चौथा है माउंटेन फॉरेस्ट, पांचवा मैनग्रोव फॉरेस्ट, छठा सेमी डेजर्ट या फिर डेजर्ट वेजिटेशन। ये चीज़ है, ये जो ये चीज़ यहाँ पे बताने के लिए है कि ये जो रीज़न होता है ना, देखिए ये होता है इक्वेटर 0 डिग्री वाला, और ये जो ऊपर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला होगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ये वाली लाइन, ठीक, ये वाली लाइन। तो यहीं ये दोनों ट्रॉपिक के बीच में जो जगह होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल कहते हैं। तो यहाँ पे पाई जाने वाली जो वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल है। तो हम डिस्कस करते हैं एक एक चीज़, एक एक वेजिटेशन को। जैसे हमारा सबसे पहला डिस्कस करते हैं जो नेचुरल वेजिटेशन है इंडिया में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ के डिस्कस करिए तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ना ऐसे रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होता है वो बहुत ही हाई होता है, 250 सेंटीमीटर और उससे भी अबव। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में रेनफॉल 250 सेंटीमीटर या उससे अबव का होता है। ठीक, यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ ड्राई सीजन होता है पूरे साल में। ब्रीफ ड्राई सीजन का मतलब ऐसा टाइम जहाँ पे बारिश कम हो, तो बहुत ही कम टाइम पीरियड होता है यहाँ पे वैसे टाइम का। और एनुअल जो टेम्परेचर होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का, वो होता है 25 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक की एनुअल टेम्परेचर। यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की एक पिक्चर दिखाई गई है, ना क्लियर नहीं है बट आप गूगल से देख सकते हैं और पिक्चर। अब फीचर्स डिस्कस करते हैं कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनकी विशेषताएँ क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला ये है कि जो ट्रीज़ होती हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, वो 60 मीटर और उससे भी ऊंची हाइट तक की होती है। ठीक, इसके अलावा जो ये फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये साल भर क्या कहते हैं, वार्म और वेट रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। मतलब नमी भी रहती है और वहाँ पे वार्मनेस भी रहती है, वार्म रहते हैं, और इसीलिए यहाँ पे हर तरह का नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलता है, जैसे श्रब, बुशेस, टॉल ट्रीज, ये सारी तरह के प्लांट देखने को मिलते हैं। और इसी की वजह से इनको एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर मिल जाता है यहाँ पे। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, क्लियर नहीं है बट देखिए यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रेज भी हैं, यहाँ इतना तक है, फिर यहाँ तक है, तो
तो क्योंकि यहाँ पे हर तरह का वेजिटेशन मिलता है, श्रब्स भी मिलती है, टॉल ट्रीज भी रहती हैं, बुशेज भी रहती हैं, तो इनको क्या है कि मल्टी लेयर, कई लेयर में चीज़ बन जाती है। जैसे अगर इसको हम यहाँ से यहाँ कई लेयर बन चुकी है ना, तो मल्टी लेयर हमें कैनोपी देखने को मिलती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखी गई है कि जो ग्रासेस होती है ना, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट एबसेंट रहती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। चूँकि देखिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टी लेयर्ड होने की वजह से प्लांट्स की हाइट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि नीचे सनलाइट पहुँच ही नहीं पाती है, तो नीचे सनलाइट पहुँच पाएगी नहीं तो ग्रो कैसे हो पाएगी, इसीलिए यहाँ पे ग्रासेस नहीं देखने को मिलती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, और हर तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखाया गया है, ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट कवर होता है, ठीक, और जो सनलाइट होती है वो ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती है, इसीलिए क्योंकि बहुत डेंस फॉरेस्ट कवर होता है तो नीचे सनलाइट पहुँच ही नहीं पाती है। जो लकड़ियाँ होती हैं और जो ट्रीज मौजूद होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, वो टफ होते हैं और वेजिटेशन के मुकाबले, मतलब और जो डिस्कस करेंगे हम, तो उनके मुकाबले वहाँ पे उन फॉरेस्ट में जो ट्रीज मौजूद हैं उनके कंपैरिजन में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की ट्रीज होती हैं वो मजबूत होती हैं, टफ होती हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे लिखी गई है ना कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ना कोई डेफिनेट टाइम नहीं है जिस टाइम पे ये जो पेड़ है वो अपनी पत्तियाँ शेड करे, गिराए, इसीलिए ना यहाँ पे साल भर बना रहता है ये पूरा हरा भरा, और इसीलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट फ्लोरा और फाउना की बात करते हैं। ये हमने फॉरेस्ट की जो हमारी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की हमने कि कैसे पेड़ पौधे होते हैं, क्या हालात रहते हैं वहाँ पे। फ्लोरा और फाउना की बात करें कि वहाँ पे किन किन तरह की प्लांट स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़ देखने को मिलती है हमें, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्री स्पीशीज़ जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखे जाते हैं, वेजिटेशन में देखे जाते हैं, वो है एबोनी, रोज वुड, महागोनी, सिंचोना, रबर, बैम्बू, वाइट सीडर, लॉरेल्स। ये क्या है, एक सेकेंड, आइनी एंड तेलसुरी, ये सब कुछ प्लांट स्पीशीज़ हैं जो करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। इसके अलावा अगर एनिमल्स की बात करें तो एलिफेंट, डियर, लेमुर, मंकी, राइनोसोरस, ये सब कुछ कॉमन एनिमल स्पीशीज़ हैं जो इन फॉरेस्ट में मिलती हैं। इसके अलावा बर्ड्स, बैट्स, स्कॉर्पियंस, स्लॉथ, स्नेल्स, ये सारे भी जो ऑर्गेनिज्म हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं हमें। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि कहाँ 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 तक डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो देखिए या वेजिटेशन, तो ये जो वेजिटेशन है ना, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप में मिलता है हमें, वहाँ से लेके लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है इंडिया के, वहाँ पे हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का जो वेजिटेशन है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा पहला जो था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का वेजिटेशन, उसको डिस्कस किया हमने। दूसरा हम देखते हैं ट्रॉपिकल डेसीडस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसीडस फॉरेस्ट है ना, तो इसको इस बेसिस पे कि कितना रेनफॉल मिलता है और वाटर की अवेलेबिलिटी कितना रहती है, इस बेसिस पे ट्रॉपिकल डेसीडस फॉरेस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एक मॉइस्ट डेसीडस फॉरेस्ट सॉरी और दूसरा ड्राई डेसीडस फॉरेस्ट। तो नाम से आप पता चला होगा, तो मॉइस्ट में जो रेनफॉल होती होगी वो ज़्यादा मिलती होगी वहाँ पे, और ड्राई में थोड़ी सी कम मिलती होगी, तो इनको डिस्कस करते हैं। पहला मॉइस्ट डेसीडस फॉरेस्ट, तो देखिए जो मॉइस्ट डेसीडस फॉरेस्ट का वेजिटेशन होता है ना, ऐसे रीजन्स में होता है जहाँ पे जो रेनफॉल होती है एनुअल रेनफॉल वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक के बीच में मिलती है यहाँ पे रेनफॉल, ठीक, और जो एनुअल टेम्परेचर होता है वो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में रहता है। बात करें और मॉइस्ट डेसीडस फॉरेस्ट की, डेसीडस फॉरेस्ट की, तो जो डेंसिटी होती है कैनोपी की वो थोड़ी लेस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस नहीं रहता है सब ट्रीज। इसके अलावा जो जो मॉइस्ट डेसीडस फॉरेस्ट की जो ट्रीज होती है ना, वो क्या करती है, जो अपनी पत्तियाँ शेड करती हैं, तो मोस्टली करती है उन लोग विंटर मंथ में, और स्प्रिंग में दोबारा रीग्रो हो जाती हैं, पत्तियाँ आ जाती हैं, और इसी वजह से हम इसे मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ट्रॉपिकल डेसीडस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि विंटर के टाइम ये सब झड़ जाती है सारी पत्तियाँ, और शुरू हो जाती है स्प्रिंग के टाइम रीग्रो करना, तो मानसून तक बढ़िया सब आ जाता है फिर से, इसीलिए मानसून फॉरेस्ट भी इनको कहा जाता है। बात करते हैं फ्लोरा और फौना की, कि कौन कौन से प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं।
मॉइस्ट डेसिडेट फॉरेस्ट में। तो देखिए ट्रीज जैसे टीक, सैंडलवुड, बैम्बू, साल, कुसुम, खैर, मलबेरी, शीशम, केन और अर्जुन, ये सारे ट्रीज हमें मॉइस्ट डेसिडेट फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। ये जो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट दोनों फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लायन, एलिफेंट, डियर, बियर, फॉक्सेस, टॉर्टोइज, स्नेक, ये सारे एनिमल हैं जो दोनों मॉइस्ट और ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट दोनों फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हिमालयन फुटहिल्स के, वहाँ पर हमें ये डेसिडस फॉरेस्ट वाला जो वेजिटेशन है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है देखते हैं हम, तो देखिए ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट दिखाए गए यहाँ पे, ये है ठीक है। तो यहाँ पे इतनी डेंस कैनोपी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है तो यहाँ पे है, नीचे उतना डेंस कैनोपी नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट जो है दूसरा ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, वो मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट था या ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है, तो ये इस तरह का जो वेजिटेशन है ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट का, ये ऐसे रीजन में मिलता है जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल मिलता है। मेन रेनफॉल का ही है यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक का होता है ठीक है। और जो एनुअल टेम्परेचर होती है वो तो सेम ही है, 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी जो होती है इन फॉरेस्ट की भी कैनोपी जो होती है लेस होती है। ट्रीज जैसे टीक, पीपल, नीम, साल एट्सेट्रा, ये सब प्रेजेंट होते हैं डेसिडस फॉरेस्ट में, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट में, और एनिमल तो दोनों में सेम था ठीक। अगर ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये बिहार यूपी के प्लेन्स में और नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटियो के हिस्से में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा वेजिटेशन टाइप है वो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स में ऐसे देखिए श्रब्स हमें थॉर्नी बुशेज देखने को मिलती हैं, ऐसे प्लांट हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर ट्री है तो इस तरीके का कुछ देखने का मिलेगा, और एनिमल आप देख सकते हैं कैमल वगैरह हैं ठीक है। तो देखिए तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और श्रब्स हमें ऐसे रीजन में हमें ये वेजिटेशन देखने को मिलता है, या फिर इन वेजिटेशन में जो रेनफॉल होता है वो 70 सेंटीमीटर से कम होता है, और ये जो नेचुरल वेजिटेशन है थॉर्न ट्रीज और बुशेस इसके अंदर होती है। मिलता कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है, कह सकते हैं हम कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री जो इंडिया का है वहाँ पे सेमी एरिड एरियाज हैं जो कंट्री की, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन सारे हिस्सों की जो सेमी एरिड पार्ट है वहाँ पे हमें ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और श्रब्स वाला वेजिटेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर प्लांट की बात करें हम फ्लोरा की, तो अकाशिया, बबुल, पाम, यूफोर्बिया और कैक्टस, ये कुछ मेन प्लांट स्पीशीज हैं। ट्रीज जो होती है ना वो बहुत स्कैटर्ड होती हैं और बहुत ही लॉन्ग रूट्स होती हैं, डीप तक जाती हैं ताकि उनको मॉइस्चर मिल सके, क्योंकि रेनफॉल कम होता है तो रूट्स बहुत डीप तक जाती हैं कि मॉइस्चर कंटेंट आ सके। और जो स्टेम्स होती हैं वो सक्यूलेंट होती हैं ताकि वाटर को हम कंजर्व कर सके, और लीव्स जो होती हैं मोस्टली थिक होती हैं ताकि मिनिमाइज कर सके इवेपोरेशन को, वाटर लॉस को बचा सके। तो ये है। अब नेक्स्ट है वेजिटेशन, वो है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेनियस रीजन वाले जो प्लांट हैं, जो वेजिटेशन है वो होते हैं यहाँ पे। तो क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें यहाँ पे, तो जो टेम्परेचर और रेनफॉल होता है माउंटेन फॉरेस्ट का वो बदलता रहता है, वेरी करता रहता है हाइट पे, मतलब माउंटेन्स की हाइट, कोई माउंटेन इतना है, इतना है, इतना है, तो हाइट के अकॉर्डिंग जो क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर और रेनफॉल है वो दोनों चेंज होता रहता है ठीक। बहुत ऊंचाई पे जब आप जाते हैं, माउंटेन की जितना ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता रहता है, घटता रहता है। फीचर्स की बात करें माउंटेन फॉरेस्ट की, माउंटेन वेजिटेशन की, तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है, हाइट बढ़ती रहती है, तो वेरिएशन हमें देखने को मिलती है वेजिटेशन कवर में ठीक है, मतलब प्लांट वेजिटेशन में हमें वेराइटी देखने को मिलती है जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहती है तो ठीक। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर, रेनफॉल ये सारे वैरी करते रहते हैं। यहाँ पे कुछ बताया गया है जैसे कि 1000 से 2000 मीटर तक की हाइट पर जब हम जाते हैं तो इस हाइट पे वेट टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे प्राइमरली एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। वहीं 1500 से 3000 मीटर तक की हाइट पे जाएंगे तो इस एल्टीट्यूड पे कोनीफेरस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, और 3000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो अल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलता है हमें ठीक है। तो माउंटेन वेजिटेशन
माउंटेन वेजिटेशन में ऐसे कुछ प्लांट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं माउंटेन की हाइट जैसे जैसे वेरी करती रहती है, तो टेम्परेचर और रेनफॉल वेरी करते रहता है, तो वेजिटेशन भी उसी के हिसाब से वेरी करता रहता है। अलग अलग हाइट पे अलग अलग तरह की वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरा और फौना की। माउंटेन वेजिटेशन में फ्लोरा और फौना कैसा होता है, तो ट्रीज जैसे ओक, चीर और चेस्टनट हो गए, ये प्री डोमिनेंट होते हैं लोअर एल्टीट्यूड पे, मतलब कम हाइट पे ओक, चीर और चेस्टनट जैसे प्लांट हमें देखने को मिलेंगे। वहीं जब आप हायर हाइट पे जाने लगते हैं तो सिल्वर फिर, स्प्रूस, सीडार, देवदार और पाइन हमें देखने को मिलेंगे। एनिमल की बात करेंगे तो डार्क स्नो लेपर्ड, स्पॉटेड डियर, बियर, रेड पांडा, वाइल्ड शेप, कश्मीरी स्टैग और तिब्बतन एंटीलोप हमें देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो हमारा माउंटेन वेजिटेशन होता है वो हिमालयन और माउंटेन रेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के माउंटेन रीजन में देखने को मिलता है ये वेजिटेशन। नेक्स्ट है हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर टाइडल फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, डेल्टाज ऑफ गंगा, कृष्णा, महानदी, गोदावरी और कावेरी, ये जो रीजन्स हैं इनके रिवर्स हैं, इनके डेल्टा पे हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट जो वेजिटेशन है उसको देखने को मिलता है। इसको हम टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये टाइड से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इसीलिए टाइडल जो फॉरेस्ट है या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो मैंग्रोव ट्रीज में रिच होती है, मतलब मैंग्रोव ट्रीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में होती हैं और इसीलिए इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। ये जो फॉरेस्ट हैं वो सिर्फ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में ही रह पाएंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा कोल्ड ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वहाँ पे ये ग्रो नहीं कर पाएंगी। एनवायरमेंटल कंडीशंस की बात करें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसको लिटोरल फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये मिलती हैं कहाँ पे हमें, कोस्ट और जो रिवर डेल्टाज है उनके कोस्ट पे, स्वैम्पी एरियाज में हमें मिलती है देखने को। फीचर्स की बात करें तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है तो इनका जो ग्रोथ है ना वो टाइडल वाटर पे डिपेंड करता है और इसीलिए टाइडल फॉरेस्ट इसको कहा जाता है। जो ट्रीज है मैंग्रोव फॉरेस्ट की वो 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर हाइट तक की होती है और जो ट्रंक होते हैं ट्रीज की, आई थिंक ये मीटर है, सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है, मीटर होगा ये, तो जो ट्रीज़ होती है मैंग्रोव फॉरेस्ट से 10 से 20 मीटर तक की हाइट में होती हैं और ये जो ट्रीज़ की ट्रंक है ना वहाँ पे सेवरल स्टील्ड रूट पाए जाते हैं जो वाटर में सबमर्ज रहते हैं। ये स्टील्ड रूट स्ट्रॉन्ग जो टाइड होती है उनसे बचने के लिए होते हैं, उनको उनसे सामना करने के लिए होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में ये सब स्टील्ड रूट दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये पानी में सबमर्ज रहती हैं और टाइड से ये बचने के लिए, मुकाबला करने के लिए होती हैं ये स्टील्ड रूट। सुंदरवन जो है और वहाँ पे सुंदरी ट्रीज है उनके नाम पे है ये, तो वेस्ट बंगाल और भीतर कनिका मैंग्रोव इन ओडिशा और इंडिया टू मोस्ट एक्सटेंसिव मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये दोनों भारत की एक्सटेंसिव मैंग्रोव फॉरेस्ट है। फ्लोरा और फौना की बात करें मैंग्रोव फॉरेस्ट में तो सुंदरी ट्रीज, गोलपता और होगला ये सब कॉमन प्लांट स्पीशीज हैं। एनिमल की बात करें तो घड़ियाल, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, टर्टल्स, रॉयल बंगाल टाइगर, ये सारे हमारे जो हैं एनिमल्स पाए जाते हैं और रॉयल बंगाल टाइगर वहाँ पे डोमिनेट करता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा नंबर में। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है ये टाइडल फॉरेस्ट, ये लार्जली लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है, और ये सारे कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और गंगा रिवर की डेल्टाज को कवर करती है। नेक्स्ट है डेजर्ट और सेमी डेजर्ट वेजिटेशन। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट नेचुरल वेजिटेशन है इंडिया का वो है डेजर्ट और सेमी डेजर्ट वेजिटेशन। तो ये ऐसे एरियाज़ में होता है जहाँ पे लो रेनफॉल या हाई टेम्परेचर होता है और इस टाइप का वेजिटेशन ऐसे प्लांट्स के करेक्टराइज होता है जो हार्श कंडीशन में रहने के लिए उन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया है। ठीक, फ्लोरा और फौना की बात करें तो यहाँ पे ऐसे मिलते हैं फ्लोरा फौना जो डेजर्ट में, सेमी डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, जैसे कैक्टस, सक्यूलेंट, श्रब और ग्रासेस। फौना की बात करें तो कैमल, फेनाक, फॉक्सेस, चरबॉयस, मिरकट, टीजार्ड, स्नेक, टॉटॉइज, ये सारी हमें एनिमल देखने को मिलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो थार डेजर्ट, राजस्थान डेजर्ट, कच्छ डेजर्ट, अरावली रेंज और डेक्कन प्लेटू, ये सारी जो सेमी एरिड एरियाज हैं, डेजर्ट फॉरेस्ट, डेजर्ट एरिया है इंडिया के, यहाँ पे हमें
ये वेजिटेशन देखने को मिलता है। तो ये हमारा नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया वाला टॉपिक हुआ। यहाँ पे हमने 6 जो वेजिटेशन है मेजर इंडिया की उसके बारे में हमने बात की। ठीक है, ये 6 वेजिटेशन है इंडिया के।